आज तो मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी, तो देखिए अब पीऊंगी मैं चाय। अब बनाइए, 12 बज रहा है, अब मैं चाय नाश्ता अब करूंगी। सुबह से बस मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे गिर गया था आज दूध। उस दूध का इतना बड़ा हंगामा हुआ कि मैं पूरी भीग गई दूध में, और पूरे घर में दूध के छींटे छींटे। पहले उसको साफ किया, और अब चाय का नंबर अब आया, 2-3 घंटे लग गए। हर चीज़ पे दूध के छींटे थी, और मेरे ऊपर भी पूरी भीग गई थी दूध में। मैं भगोना छूट गया मेरे हाथ में, इतनी तकलीफ है इसमें उंगली में कि बता नहीं सकती। इसमें यह है ना, ये मेरी उंगली सुन है, जल तो गई थी, ये बस सुन रहती है मेरी उंगली। इससे मेरे से भगोना पकड़ा नहीं गया, और बस क्या कहते हैं, वो छूट गया मेरे हाथ में से। उसमें था 1.5 किलो दूध था, चाय बनाने के लिए जा रही थी। चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, आ जाइए पी लीजिए आप भी मेरे साथ चाय। अस्सलाम वालेकुम। देखिएगा आज मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी। तो ये मैंने ये ले लिया है, मैंने इन बैंगन को मैंने छील के कटिंग करके रख दी, और ये हरी मिर्च टमाटर आलू हैं, और मैंने चढ़ा दिया है कुकर गैस पर। इसमें डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, और बस अब मैं इसमें मसाले वसाले डाल देती हूँ। देखो फुलवारी लगा रखी है अमरीन की चाची को, बहुत ज़्यादा शौक है फुलवारी लगाने का, बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। देखो कितने सारे माशाल्लाह, बहुत सारे गमले कर रखे। और देखो ये है ना, ये सेम है, सेम ये कनेर, बहुत से पौधे का तो मैं नाम भी नहीं जानती क्या है। और ये देखो ये टोकरी में लगा दिया, कितना अच्छा लग रहा। एलोवेरा भी लगा रखा है, एलोवेरा। देखो बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं, इन्हें शौक है बहुत। हमें शौक है तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो देखो ये। और मेरा भी इनको देख के बहुत ज्यादा दिल खुश हो, फूल फुलवारी को। और है ना ये चूल्हा, चूल्हा चूल्हे में आग जलाएंगे और फिर दिखाएंगे।